अध्यक्ष महोदय, जो मामला अदालत में है मैं उसे यहां उठाकर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश लगाना नहीं चाहता। मैं तो सरकार की आलोचना करने जा रहा था। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे सीबीआई को अमल में लाना चाहिए था और जो कंप्लेंट थी उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करना चाहिए था, लेकिन सीबीआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे स्पेशल लीव पिटीशन लेकर। जब मेरी सरकार चल रही थी तब ये मामला आया था, इस पर लॉ मिनिस्टर की राय ली गई थी। लॉ मिनिस्टर की राय थी कि सरकार के सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है और सीबीआई हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे, एफआईआर ठीक तरह से दर्ज करे और जिससे आगे की कार्रवाई चल सके। आखिरी दिन था, मेरे पास वक्त नहीं था मैं पूरी फाइल देख सकूं। मैंने अपने नोट में लॉ मिनिस्टर की राय का हवाला दिया और नई सरकार पर मामला छोड़ दिया। क्या नई सरकार के लिए जरूरी था कि वो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत देती? हाई कोर्ट का निर्णय पर्याप्त होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ स्ट्रक्चर्स पास किए। हाई कोर्ट का आरोप है कि सीबीआई ने उसको अंधेरे में रखा। मेरे पास जजमेंट है, मैं उसको उद्धृत कर सकता हूं। क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? और सुप्रीम कोर्ट में जाने का नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कहा कि अपना हाई कोर्ट में वापस जाइए और सीबीआई को वापस आना पड़ा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देवेगौड़ा जी कह रहे हैं हमने कोई फैसला नहीं किया, क्या ये महत्वपूर्ण मामला नहीं था? अब इस फैसले के पीछे ये भावना देखी जाए कि जो आपको राजनीतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। अगर मैं उस दिन फैसला करता तो मुझे कहा जाता वो 28 तारीख थी, क्या आपकी सरकार जा रही है, आपको तो अलविदा कहा जा रहा है, आपने ऐसा फैसला क्यों किया? मगर अब मैं तो सरकार में नहीं हूं, अब मुझे जवाब चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो चौंकाने वाले। 5 साल हम घोटालों से जूझते रहे, एक के बाद एक घोटाला उजागर होता रहा। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो अब तक के घोटालों से सबसे बड़ा घोटाला यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जाएगा। नो नेट, प्लीज अदर का प्लीज डोंट नॉट डिस्टर्ब नाउ। He is not yielding. No. He is not yielding. Hazareka ji. Please, Ms. Hazareka. Sarkar. उस दिन यह मामला उठाया गया था, कल जब चर्चा आरंभ हुई विश्वास प्रस्ताव पर तो यूरिया घोटाला उठाया गया था,
प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वो इस बारे में तथ्य इकट्ठे करेंगे, सदन के सामने रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि वो इस चर्चा में उन तथ्यों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनमानस को आंदोलित कर रहे हैं। एक बोफर्स के घोटाले की बड़ी चर्चा हुई है और एक हवाला की भी बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन दोनों घोटालों में जो धनराशि है वो अगर जोड़ भी ली जाए तो ये यूरिया घोटाला उन दोनों को भी मात कर देता है, उनसे पार चला जाता है। देश को यूरिया की जरूरत है। कल बरनाला साहब यूरिया की कमी की सदन में शिकायत कर रहे थे। यूरिया की कमी है इसलिए यूरिया मंगाया जाए, इस परिस्थिति का लाभ उठाकर यह घोटाला किया गया। और इस घोटाले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई मिडिलमैन नहीं है। स्विस बैंक में सीधा धन जमा किया गया, सरकार की ओर से जमा किया गया और पूरे का पूरा धन, पूरे की पूरी धनराशि गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं जांच के विवरण में जानबूझकर जाना नहीं चाहता, किंतु मैं कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी कहावत के अनुसार इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। अधिकारियों को फरवरी में यह पता लग गया था कि टर्किश कंपनी यूरिया देने के वचन का पालन नहीं करेगी, किंतु उन्होंने कार्यवाही नहीं की। वे मई मास का इंतजार करते रहे। इधर उधर हो चुका था। इस यूरिया के कांड में कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनकी सीबीआई जांच नहीं कर सकती। ये श्री रामकृष्णन कौन है? क्या ये प्रॉपर चैनल से आए? वो सर्वे सर्वा कैसे बन गए? उन्हें वहां किसने बिठाया? उनका गॉडफादर कौन है? वो जेल में पड़े हैं, उन्हें जेल में होना भी चाहिए। मगर जो इस घोटाले से जो गैर सरकारी लोग, गैर अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये संजीवी राव कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कई घंटियां बजती हैं। मैंने उन लोगों की सूची निकाली जिन्हें अपनी आउट ऑफ टर्न पेट्रोल पंप दिए गए थे, उनका नाम इसमें है। गैस एजेंसी के आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट वैन में भी उनका नाम है। चीनी मिल का लाइसेंस पाने वालों में भी उनका नाम है। आंध्र प्रदेश में आईपीएल प्रोडक्ट्स के एकमेव एजेंट के रूप में वो जाने जाते हैं। एक उनको पूरी सोल एजेंसी दे दी गई। जो मैंने सुना है, जो मेरे पास तथ्य है उनके आधार पर मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। श्री कृष्णा इंटरेस्ट की पृष्ठभूमि क्या है? उनका रिकॉर्ड क्या है? एनएलएफ से इनका कितना पुराना रिश्ता है? ये कितने बार अपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर चुके हैं? ये भी जानना जरूरी है कि टर्किश फर्म का रिकॉर्ड क्या है। लंदन में बैठे हैं कोई पिंटो, ये कौन है? अमेरिका के रिया ब्रदर्स की असलियत क्या है? इस मामले में सबसे ज्यादा धक्का देने वाली बात यह है कि जिस तरह से पैसा भेजा गया वो है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अनुमति क्यों दी? 38 मिलियन डॉलर का हस्तांतरण हुआ है, न कोई सिक्योरिटी, न कोई परफॉर्मेंस गारंटी, न इंश्योरेंस।
क्या ये देश के साधनों के साथ खिलवाड़ नहीं है? 133 करोड़ रुपए यूरिया मंगाई जा रही है, एक दाना यूरिया का नहीं आया। पैसे कहां गए इसका पता नहीं है। इसीलिए कल मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि अपराधी पकड़े जाएं, उन पर उनको सजा हो, इतना ही काफी नहीं है। ये 133 करोड़ रुपए भारत के खजाने में वापस आना चाहिए। इसके लिए जितनी भी कड़ी कार्रवाई को करना हो करना चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति को इस मामले में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सीबीआई कह रही है कि अधिकारियों ने साजिश की, हो सकता है, लेकिन बैंक क्या कर रही है? क्या इन सारे पहलुओं की सीबीआई जांच कर सकती है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस योग्य पिता का योग्य पुत्र इस मामले में फंसा हुआ है। हमें धन वापस चाहिए। सभी लेनदेन बैंक के माध्यम से हुआ है, इसके निशान भी हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक के बाद एक घोटालों के प्रकाश में आने का सिलसिला चलेगा तो देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी। मैंने यूनाइटेड फ्रंट का कार्यक्रम देखा, बहुत सी बातें हमारे कार्यक्रम से मिलती जुलती हैं। कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हो सकता है। आप इकट्ठे आए हैं, कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया है, लेकिन देश को स्थायी सरकार भी चाहिए और देश को जवाबदेह सरकार भी चाहिए। अगर सरकार स्थायी है मगर भ्रष्ट है, अगर मेंबरों को खरीद कर बहुमत बनाती है या अन्य तरह के लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त करती है, तो संख्या से स्थायित्व नहीं होगा। लोकतंत्र चलेगा तो किसी नैतिक आधार पर चलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये प्रोग्राम जो आपने बनाया है इसको अमल में कौन लाएगा? अमल में लाने का तंत्र कैसा है? वो तंत्र किस सीमा तक बिगड़ गया है? आज सवेरे सत्ता पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे, वो बहुत ठीक बात कह रहे थे कि स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनकी हालत देखो, देश में बड़ा भारी बिजली का संकट आने वाला है। अभी कई भागों में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मगर बिजली बेची जा रही। दिल्ली कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए मैंने सुरक्षा का सवाल उठाया, आज उठाने की कोई जरूरत नहीं। पेट्रोल के मामले में 6000 करोड़ का घाटा है हर साल। रेलवे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, कहां है धन? खेती में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जो भी धन है वो सब्सिडी पर जा रहा है, वो जरूरी है, मगर खेती का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्या इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है? बहस हो रही है, हम सेक्युलर, मैं मुझे तो बड़ी खुशी है, सेक्युलरवाद को हम राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहते थे और हम सफल हो गए।